हाय गाइस, दिस इज शुक्ला फ्रॉम उज्जवल कॉमर्स विस्टा। आज पेपर में खबर पढ़ी, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो अभी भी कुछ लोग के अंदर इंसानियत जिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार जी की और हमारे जो सबसे बड़े मतलब इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं रतन टाटा जी की। दोनों ने ही अपने अपनी तरफ से, अक्षय कुमार जी ने 25 करोड़ रुपए की हेल्प जो है ऑफर की है और रतन टाटा जी ने 500 करोड़ की हेल्प ऑफर की है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया है। इतना जानने के बाद भी अगर हमारे में से कुछ जो पढ़े लिखे जाहिल हैं अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोविड-19 की इंटेंसिटी क्या है तो समझ लो यार, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सच में तुम्हारे चित्रों पे हार पड़ेंगे। सिर्फ तुम्हारे चित्रों पे नहीं, तुम्हारे घर के लोगों के चित्रों पे हार पड़ जाएंगे। अगर चाहते हो कि पूरी पूरी फैमिली खत्म हो जाए तो बेशक घर से बाहर निकल जाओ और बिना हाथ धोए बिना हाइजीन मेंटेन किए सारी चीज़ें करो। मैं थक गया वीडियो डालते डालते, इवन जो अक्षय कुमार जी हैं ये देख के अच्छा लगा कि कम से कम इन आप दोनों जो कि अक्षय कुमार और रतन टाटा जी, कम से कम इतना तो सोचा। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया उसमें मैंने भी डोनेशन दिया है। खैर मेरा डोनेशन इनके इन दोनों के बराबर का नहीं है, मैंने हार्डली से 500 रुपीज़ डोनेट किए हैं और मैं इसको पूरे मतलब एक पूरे एक सम्मान के साथ बोलूँगा कि हाँ कि मैं एज अ स्टूडेंट मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं इसमें, मतलब इन्वेस्ट किया मैंने दिए हैं, दान दिए हैं। क्योंकि हम भारत देश के लोग सिर्फ मतलब मैं मानता हूँ मेरे परिवार के लोग नहीं है लेकिन भारत देश हमारा परिवार है और उसके नाते मेरा भी फर्ज था कि मैं दूँ। एक नाम लेना मैं भूल गया, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने भी 500 करोड़ का दान दिया है, मतलब डोनेट किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो कि कोविड-19 के लिए बनाया गया है। और इतने के बाद भी अगर हम लोग का दिमाग नहीं खुला, हम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो जितने भी ये डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस हो रहे हैं ये सब के सब बेमानी हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और सरकार की जितने भी एफर्ट्स हैं 130 करोड़ की पॉपुलेशन को बचाने के लिए वो सब के सब ज़ाया होने वाले हैं। तो अपना जाहिलपना छोड़ो, गंवारपना छोड़ो, वरना वो दिन दूर नहीं जब 130 करोड़ की जनता में से एक बंदा जिंदा नहीं बचेगा, ये याद रख लो। और 14 अप्रैल तक का डेडलाइन दिया गया था ना 21 दिन का शटडाउन, अगर यही हालत रही तो 14 अप्रैल नहीं फिर 14 अप्रैल 2021 हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, जाहिलपना दिखा रहे हैं, गंवारपना दिखा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये और फैल जाएगा। हाँ, कोविड-19 से एक और चीज़ याद आई कि आज का डेटा जिस रेट से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी कवर हो पाएगा, जल्दी कंट्रोल होगा। आज का पेपर मैंने पढ़ा है 945 केसेस हो चुके हैं और रातों रात एक दिन एक रात में 221 केसेस जुड़े हैं जो कि दिल्ली से आए थे और 500,000 लोग दिल्ली से बाय बस यानी बाय रूट बेस आए हैं और इलाहाबाद आए हैं। जिस तरीके से हम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं बहुत जल्दी हम लोग को निपटाएगा मुझे लग रहा है। तो मेरी फिर यही अपील है कि बराबर हाथ धोते रहो, घर में रहो। और यही अक्षय कुमार जी ने भी अपनी 2-3 वीडियोस में बोला है कि हमारा जो पार्ट है रोल प्ले का वो सिर्फ इतना है कि घर में रहो, हाथ धोते रहो प्रॉपरली जैसे जैसे डेमो दिया गया है ऑनलाइन वीडियोस में, और घर पे रहो मत निकलो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर आओ। और खैर जितने भी तफरीबाज हैं उनकी वजह से मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं कल परसों मतलब कल मैं गया था किसी बहुत ज़रूरी काम से चौराहे पर देखा तो तफरीबाजों की वजह से उन लोगों को भी पुलिस की डांट या मार खानी पड़ रही है जो किसी न किसी मतलब जो ज़रूरी काम से बाहर निकले थे लेकिन पुलिस वालों ने उनको भी नहीं बख्शा। तो तफरीबाजों सुधर जाओ, तुम्हारी वजह से जेन्युइन बंदा जिसको काम था वो निकला था काम से उसको मार खानी पड़ी पुलिस से। तो ये सबके शर्मिंदगी वाली बात है कि जो तफरीबाज हैं जो बाहर निकल रहे हैं बिना मतलब के, बस माहौल देखने निकल रहे हैं या नज़ारा लेने निकल रहे हैं, उनकी वजह से जो जेन्युइन बंदा है जिसको काम था वो मार खा रहा है। तो सुधर जाओ, वरना मैं तो पुलिस और प्रशासन से यही अपील करूंगा कि जितने भी तफरीबाज आपको दिखें चौराहे गली जहां भी, मारो पीटो नहीं सीधे उठाकर FIR करो, उनको सीधे जेल में डालो, तभी ये मानेंगे वरना नहीं मानने वाले ना सुनने वाले हैं। और इन्हीं की वजह से कोरोना आगे और फैलेगा जो फैल ही रहा है। कहां 100 केसेस थे आज 945 केसेस हैं इंडिया में,
तो क्या इंक्रीमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, और लगभग 25 लोग की मौत हो चुकी है अब तक में, और मतलब जो क्यूरेबल केसेस हैं, जो ठीक हुए हैं, उनमें बहुत कमी है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा है वो क्यूरेबल केसेस से काफ़ी कम है। तो सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, और अगर नहीं मानोगे तो फिर 945 नहीं 945,000 होगा, और ज़रूर होगा।